नमस्कार दोस्तों, आज की जो सूक्ति है बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस सूक्ति के माध्यम से जीवन को संचालित करना, उन्नति के मार्ग पर चलाना, विकास के मार्ग पर चलना, संस्कार से युक्त जीवन जीना आदि सिखाती है। तो जानते हैं इस सूक्ति का अर्थ। अनध्वा, अनध्वा का मतलब होता है नहीं चलने वाला, नहीं चलने वाले। याजीनाम घोड़ों की जरा वृद्धावस्था, नहीं चलने वाले घोड़ों की वृद्धावस्था जल्दी आ जाती है। अर्थात तो घोड़े यदि नहीं चलते हैं, एक ही जगह उनको बांध करके रखा जाता है तो उनकी वृद्धावस्था आ जाती है, अर्थात उनके शरीर में शिथिलता आ जाती है। चलने वाली किसी भी वस्तु के प्रति, किसी भी प्राणी के प्रति हम देखें, यदि वो स्थिर हो जाते हैं तो उनमें शिथिलता आ जाती है। एक जगह रुक जाते हैं तो शिथिलता आ जाती है। कोई भी कार्य करने वाली मशीन है, यदि एक जगह उसको रख दिया जाता है, नहीं चलाया जाता है, तो दोबारा चलाने में बड़ी समस्या आती है। निरंतर बहने वाला पानी यदि एक जगह रोक लिया जाता है तो उनमें कई प्रकार के कीटाणु पैदा हो जाते हैं। हमारे शरीर की जो नित्य प्रति रेगुलर क्रियाएं हो रही हैं, यदि एक भी रुक जाती है तो हम बीमार हो जाते हैं। इसलिए निरंतर रूप से गति होती है तो उनमें तंदुरुस्ती आती है। तो इस सूक्ति के माध्यम से हम क्या सीखें? हम ये सीखें कि हमारे जीवन में हमेशा नियमितता रहनी चाहिए। नियमितता, जिसको हम बोल सकते हैं रेगुलरिटी, निरंतरता। कोई भी कार्य किया जाता है तो उसमें किसी भी प्रकार आलस्य किए बिना निरंतर करते हैं तो हमारी उन्नति निश्चित रूप से होती है। जैसे बताया गया है कि यदि घोड़ा एक जगह स्थिर नहीं होता है तो बहुत अच्छी तरह से वो गति करता है, दौड़ता है। तो जो नियमित रूप से परिश्रम करते हैं, विश्वास करते हैं अपने ऊपर, धैर्य रखते हैं, तो उनका जो मार्ग होता है वो प्रशस्त होता है, विकास की ओर अग्रसर होते हैं। तो ऐसे मनुष्य से सभी प्रसन्न होते हैं, जिसमें एक अच्छी दिशा के अनुसार नियमित रूप से गति करने वाले इंसान से सभी प्रसन्न होते हैं, क्योंकि उनका जो किया गया कार्य एक अच्छी दिशा में होता है। धन्यवाद।